कैसे देख सकते हैं, ये कार है टोयोटा इनोवा मॉडल 2007 की कार है। इस कार में इशू के कार स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, सारे लाइट आ रहे, सारे सिस्टम ऑन है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले जब भी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती तो आपको चाबी लगाना है। चाबी लगाने के बाद आपको ये चीज़ देखना है यहाँ पे कि ये जो सिक्योरिटी का लाइट है, आप जैसे चाबी अंदर डालोगे, जैसे मैंने चाबी के डाल दिया है, और ये जो सिक्योरिटी लाइट है ये बंद होना चाहिए, ब्लिंक करना बंद होना चाहिए, ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए। जैसे देख सकते इसमें ब्लिंक कर रहा है, और ब्लिंक करने की वजह से मैं गाड़ी देख सकते चाबी ऑन करता हूँ, पूरा सारे लाइट आ रहे, हीटर का लाइट, चेक लाइट सारे आ रहे पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सेल मार के भी दिखा देता आपको, ठीक है, देख सकते सेल मार के भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये सिक्योरिटी का लाइट जब तक बंद नहीं होगा तब तक गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने स्कैन किया, स्कैन में नहीं हुई, तो मैंने स्कैन किया, स्कैन में एमुलाइजर जो है, एमुलाइजर ये एमुलाइजर जिसको बोलते हैं, ये है एमुलाइजर, ठीक है, ये एमुलाइजर है, और ये एंटीना है, ये चाबी के पास है, ये एंटीना है, एमुलाइजर और एंटीना। अगर आपके कार में एमुलाइजर की प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, और अगर आपकी कार का एंटीना ख़राब रहेगा, ये जो एंटीना है ये, तो भी आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। जब तक ये लाइट आपका सिक्योरिटी बंद नहीं होता तब तक गाड़ी आपकी चालू नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ने स्कैन किया, स्कैन में इंजन एमुलाइजिंग सिस्टम का कोड आ रहा है, और एमुलाइजर जो है, एमुलाइजर रीड नहीं ले रहा है, जो ये जो पार्ट है ये सिस्टम रीड नहीं ले रहा है। तो रीड नहीं लेता तो आपकी गाड़ी 100% इसका ही प्रॉब्लम रहेगा, आपका एमुलाइजर का ही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मैंने दूसरा एमुलाइजर डाल के देखा है, ये जो एंटीना है ये एंटीना डाल के देखा है, पर फिर भी गाड़ी चालू नहीं है। तो मैंने देख सकते हैं दूसरा सेकेंड हैंड एमुलाइजर लेके आया है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, चाबी को बंद कर देता हूँ, चाबी को देख सकते हैं बंद कर दिया, और इसमें प्रोग्रामिंग आता है, आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, जब तक प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैंने प्रोग्रामिंग पहले ही टेबल पर कर लिया है, टेबल पर करने के बाद मैं सबसे पहले इसको खोल देता हूँ, देख सकते ये मैंने खोल दिया, ठीक है, इसको खोल दिया, निकाल दिया, और दूसरा जो हमारा एमुलाइजर है इसको मैं लगा देता हूँ, फिट कर देता हूँ, देख सकते हो फिट कर दिया, ठीक है, इसको लगा दिया। उसके बाद आपको चाबी के पास लेके चलता हूँ, देख सकते हैं चाबी है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे लगाता हूँ देख सकते हैं चाबी मैंने अंदर डाला, ठीक है, अंदर डाला, देख सकते लाइट कैसा है, कंटिन्यू रखे चला गया, अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, पहले ब्लिंक कर, जैसे मैं चाबी डाल दिया, पहले बिलिंग करा था पर अभी बिलिंग नहीं करा, देख सकते वो जैसे एमुलाइजर डाला, एमुलाइजर दूसरा वाला यहाँ है जो ख़राब है ना, और ये दूसरा है, ये मैंने डाला है, देख सकते ये डाल दिया हूँ, तो एमुलाइजर का लाइट देख सकते ब्लिंकिंग बंद हो गया। फिर मैं चाबी निकाल दूंगा तो ब्लिंकिंग देख सकते चालू हो गया, देख सकते ब्लिंकिंग चालू है, चाबी मैं जैसे ही डालूंगा, चाबी डाल दिया, देख सकते कंटिन्यू आके चला गया, उसके बाद ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। अभी आप गाड़ी स्टार्ट भी करोगे तो स्टार्ट हो जाए, देख सकते अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं एक सेल में गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, देख सकते हैं एक सेल पे गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हमारा जो प्रॉब्लम था एमुलाइजर का ही प्रॉब्लम था, हम लोग ने एमुलाइजर दूसरा लाया, लगा दिया। अगर जब भी कभी आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, इशू आते हैं, तो आप ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिप्स ऑटोमोबाइल ऑल इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सोल्यूशन। देख सकते गाड़ी पूरी तरह से स्टार्ट है, देख सकते रेस उस सारे हो रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, कितना भी आप कोशिश कर लोगे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी सिस्टम है। जब तक आपकी गाड़ी, लगता है गाड़ी को कि कोई चोरी कर रहा है, या तो चोरी कोई करता है, तो इसमें ये सिस्टम होता है एमुलाइजिंग का, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा सब में ये चीज़ रहता है। अभी की गाड़ियों में 2005-06 के बाद या 2002 के बाद जितनी भी गाड़ी है सब में सिक्योरिटी सिस्टम देने लगा, अधिकतर गाड़ी में सिक्योरिटी सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम है, ये सब आपको चेक करना रहेगा।